नमो बुद्धाय। मैं विक्रम, आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम लेकर आया हूँ फिर से एक बार आपके लिए आप ही का प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है अपना विहार अपनी आवाज। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रबुद्ध नगर का प्रबुद्ध बुद्ध विहार, जो आता है कामठी नागपुर महाराष्ट्र में। तो इस वक्त मैं विहार में मौजूद हूँ और महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध भी हमारे विराजमान है, बाबा साहब भी है और सारे उपासक उपासिकाएं भी आ चुके हैं। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का अपना विहार अपनी आवाज का ये प्यारा सा सफर। दर्शकों, वक्त है सबके साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो आइए, हमेशा की तरह आपसे यही कहूंगा कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और वक्त है विहार के बारे में जानने का। तो आइए जानते हैं विहार की स्थापना कैसे हुई, किस तरह ये कार्य कर रहा है और किस तरह का कार्य भविष्य में किया जाना बाकी है। जय भीम। या युवाराला 40-50 वर्षे झाले हाय। मी या युवारामध्ये येऊन राहिली, थोड़ा थोड़ा याच्यातून हे युवार झाला हाय। सभी को जय भीम। मेरा नाम गौतम है, तुझे मानता हूँ। धम्म वंदना बुद्ध वंदना जैसे हम करते हैं, हमेशा करते हैं। ध्यान साधना शिविर लिए जाते हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए यहाँ पर विविध प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। भोजन दान का होता है वर्षावास के लिए और विविध प्रकार के खेलकूद का भी कार्यक्रम यहाँ पर हम अरेंज करते हैं। सभी को सप्रेम जय भीम। अभी हमने 2014 से हमारे विहार में लाइब्रेरी का काम स्टार्ट किया है। उसी प्रकार अभी हम आगे जाने वाले सभी पीढ़ियों को
आगे की शिक्षा के लिए अनुग्रह कराएंगे और सभी को उससे वंचित करवाएंगे, यही हम आगे की हमारा प्लानिंग है। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी आपके लिए बहुत कुछ बाकी है, तो कहीं जाइए मत, बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना विहार अपनी आवाज। हम बड़े गर्व से कहते हैं जय भीम जय भीम जय भीम। तो ये जय भीम के प्रवर्तक जो हैं, उनका नाम क्या है, बच्चों में से कोई बता सकता है तो बताए। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में, और वक्त हो गया है एक प्यारी सी बोध कथा श्रवण करने का। तो आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये वाली प्यारी सी बोध कथा। दर्शकों, आज की बोध कथा हमने एक धोबी और उसके गधे से ली है। आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की कथा होगी, तो आइए सुनाते हैं कथा और आप भी सुनिए। एक धोबी और एक गधा साथ में सालों से रहते थे और दोनों में एक भावनिक रिश्ता सा जुड़ गया था। कुछ सालों बाद जो गधा था वो बीमार रहने लगा, और अचानक एक बार धोबी और गधा जब काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे, तो अचानक एक बड़े गड्ढे में वो गधा जा गिरा। उसने खूब प्रयास किया बाहर निकलने का, और धोबी ने भी अथक प्रयास किया उसे बाहर निकालने का, लेकिन जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो धोबी ने सोचा वैसे भी अभी आजकल बीमार रहता है और इसकी जरूरत भी अब खत्म सी हो गई है, तो क्यों ना इसे फिर यहाँ पर ही मिट्टी में दफना दिया जाए। तो उसने कुछ गांव वालों को साथ बुलाया और कहा कि चलो मिलकर मिट्टी डालें। सब ने खुदाल फावड़ा लेकर आए और उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू किया। शुरुआत में तो गधे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि लोगों की मंशा क्या है। अचानक गधा कुछ अलग तरह की हरकत करने लगा। जब लोग मिट्टी उसके ऊपर डालते तो वो हिलाकर अपनी पीठ पर गिरी मिट्टी को नीचे गिरा देता। लोग सोचने लगे कि ये क्या कर रहा है, पर ये सिलसिला चलता रहा और वो जैसे जैसे मिट्टी डालते, वो गधा पीठ हिलाकर सारी मिट्टी नीचे गिरा देता, और धीरे धीरे करते करते वो गड्ढा मिट्टी से भर गया और वो गधा धीरे धीरे जो मिट्टी को गिरा रहा था उसी मिट्टी पर चढ़कर गड्ढे से बाहर आ गया, और लोग आश्चर्यचकित हो गए। दर्शकों, इस कथा से हमें ये बोध मिलता है कि जिंदगी रूपे कुएं में भी हमें इस तरह की समस्याएं आती है, और समस्या रूपी मिट्टी हम पर बार बार गिरती रहती है। तो दर्शकों, आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस जब भी कोई भी मुश्किलें आए तो इस मुश्किल रूपी मिट्टी को हिलाते रहिए और नीचे गिराते रहिए, कदमों को आगे बढ़ाते रहिए, और इस तरह आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा। उम्मीद करते हैं ये बोध कथा आपको जरूर पसंद आई होगी, अन्य बोध कथाओं की तरह। और अगर आपके पास भी या आपके किसी परिचित के पास है अच्छी अच्छी बोध कथाएं, तो सारी की सारी इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। जब भेजें तो अपना नाम पता जरूर भेजें। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में आप देख सकते हैं, सवाल जवाब के लिए बड़ी तादाद में उपासक उपासिका यहाँ मौजूद है। कुछ बच्चों को हमने यहाँ बिठा रखा है, जगह की एडजस्टमेंट है बीच में कॉलम होने की वजह से। तो आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। आसान आसान से सवाल है, जिस विहार में आप इतने सालों से आ रहे हैं, उस विहार में कुल मिलाकर लगभग कितनी जगह पर अशोक चक्र हमें नजर आता है, कौन बता सकता है सिर्फ हाथ ऊपर, कितनी जगह अशोक चक्र नजर आता है। पहले हम बच्चे से आ जाए, एक बच्चे से ट्राई करके देखते हैं। जय भीम। जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश गौतम पांडवनी है। बताओ कितने हैं अशोक चक्र? 7। नहीं बेटा, बैठ जाओ आप। आराम से। मैं सुनंदा पांडवनी है जी, बताए कितने हैं? 13 है इनका कहना है, लेकिन ये मेरा नहीं है, यानी मेरा जवाब नहीं है, गलत जवाब है। अब मैं ही दे दूं, कुल मिलाकर छोटे बड़े सभी अशोक चक्र मिलाकर 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12 नहीं, तो कुल मिलाकर 21 यानी कि 21 अशोक चक्र है। अब मेरा दूसरा सवाल फिर इसी विहार से संबंधित। इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जो प्यारी सी प्रतिमा है जो हम देखते हैं,
जिनके हाथ इस तरह से नीचे की ओर है, वो जिस मुद्रा में विराजमान है बैठे हैं, उस मुद्रा को कौन सी मुद्रा कहकर संबोधित किया जाता है? जय भीम, आपका नाम तो हमने ले चुके हैं। जय भीम, बताए कौन सी मुद्रा कहते हैं उसे? पद्मासन। नहीं बेटा, पद्मासन नहीं, बैठ जाओ। आपसे हम पूछ चुके, एक बार इनसे पूछ लेते हैं। जय भीम, आपका परिचय दें। माझे नाव करुणा दिलीप कोसारे, भूमि स्पर्श मुद्रा मध्ये आहे। भूमि स्पर्श मुद्रा। दर्शकों, सिर्फ दो हाथ ऊपर हुए थे बड़ों में, इनसे मैंने सवाल का जवाब लिया और इन्होंने जवाब जो दिया वो सही जवाब दिया। अरे सही जवाब दिया बोल रहा हूं। कैसा होता है ना दर्शकों, अगर एक्सप्रेशन गलत दे तो सही चीज भी गलत लगने लग जाती है। हम बड़े गर्व से कहते हैं जय भीम जय भीम जय भीम। तो ये जय भीम के प्रवर्तक जो हैं, उनका नाम क्या है? बच्चों में से कोई बता सकता है तो बताए। एक बालिका है, पहले बालिका से ले लेते। जय भीम। जय भीम, आपका नाम बताओ बेटा। नूपुर पाटिल। नूपुर पाटिल, बताए कौन है जय भीम के प्रवर्तक? भीमराव रामजी अम्बेडकर। नहीं नहीं नहीं, दादा साहब कुंभारे। नाम ही तो पूछ रहा हूँ बेटा, जिनका फोटो बाकायदा यहाँ पर लगा है। जय भीम के प्रवर्तक के रूप में किन्हें हम जानते हैं, उनका नाम क्या है? बाबू हरदास। बाबू हरदास, पूरा नाम बताओ बराबर अच्छी तरह से। बाबू हरदास एलन। बाबू हरदास एलन, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, जोरदार तालियां। बाकी बच्चों ने ये चीजें देख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी तस्वीर लगा रखी है उनकी, वो किसकी है ये बच्चों ने पूछना चाहिए और बड़ों का भी काम है उनको बताना चाहिए, ठीक है? तो दर्शकों, मेरे तीन सवाल यहाँ समाप्त होते हैं। दर्शकों, ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने आपको मेरे साथ में नजर आ रहे हैं और खास बात है ये बिहार में रेगुलर आते हैं। तो आइए अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों के लिए जो गेम हमने शुरू किया है, जो बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया है और ये गेम बच्चों को पसंद भी आ रहा है और इस गेम का नाम है नागपुर कानपुर। नागपुर और वो कानपुर नहीं है। खड़ा रहना है ऐसे और एक हाथ से ऐसे करना है, फिर इसे नीचे करना है, फिर ऐसे करना है और फिर नीचे करना है। यही प्रक्रिया इंस्टेंटली इनको कर कर दिखानी है। आपका समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। चकरक चीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगि डिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकि चकचो इडिगिगो इडिपाय विडिपाय चिकि चकचो गिलिगिलि मल सुलुसुलु मल मकरक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलि सिलिगो बगडुम जगडुम चिकि चकचो। इन्हें इन्हीं के हाल पर छोड़ते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना वीआर अपनी आवाज में वक्त हो गया फिर से एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दूं आज का सुविचार। आज का सुविचार बड़ा ही प्यारा है। आपके पास क्या चीज है जो आपके पास नहीं है पर आप मुझे दे सकते हो, या मेरे पास नहीं है मैं आपको दे सकता हूँ? आप सोचेंगे जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे दे सकते हैं। जी हाँ, ऐसी एक चीज़ ज़रूर है जो सभी के पास न होते हुए भी वो आप किसी और को दे सकते हैं, वो है खुशी, वो है आनंद। आप किसी को बांट सकते हैं तो खुशी बांटिए, आनंद बांटिए, इसका आनंद आपको अपने आप मिल जाएगा। तो बने रहे इस सुविचार के साथ, देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी और अपना बिहार अपनी आवाज़। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है अपना बिहार अपनी आवाज में और वक्त है सबके साथ मिलकर गाने का, गुनगुनाने का। तो आइए देर नहीं करते, मिलकर सबके साथ गाते हैं, आओ मिलकर गाएं। यादिना साठी भीमा
दर्शकों मैदान सज गया है, उपासक के साथ उपासिकाएं भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? बताने की जरूरत है, ये उसी गेम खेलने के लिए मौजूद हैं, जिस गेम का आप हर रात करते हैं बेसब्री से इंतजार, जो गेम से आप सबको है बहुत सारा प्यार, और जो गेम सबको लगता है अपना, और जो गेम खेलने का सब देखते हैं रोज सपना, और उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इससे पहले गेम शुरू करें, इस गेम के रूल्स मैं आपको बता दूं। इन सभी को मेरी तरफ देखकर जय भीम 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 कहना है। इस बीच इनसे मैं हाथ पैर नाक कान सर कोई भी एक पार्ट को छूने के लिए कहूंगा, उन्हें उस पार्ट को दोनों हाथ से छूकर दिखाना है। जैसे कि जय भीम पकड़िए नाक कान सर पैर हाथ, है ना सर? तो बस यही करना है, और जो मेरे कहते से ही कर दिखा देगा वो विनर, जो लेट हो जाएगा वो आउट। ठीक है, तो हमेशा की तरह पहले एक ट्रायल हम ले लेते हैं। नाक पात लगाइए, ओके पास करिए इससे भी, ओके दर्शकों मैंने कहा नाक पात लगाइए और सबने लगा लिया है, इसका मतलब सब कुछ सामान्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना ये कि सब कुछ सामान्य तब रहता है जब गेम शुरू होता है, तो आइए लेते हैं मजा भीम का। ओके, आप सबका समय शुरू होता है अब। पकड़िए पैर, सबको पैर बोला, सबने कान पकड़े। दर्शकों ये ऐसा क्यों होता है, क्यों 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 होता है ऐसा? 170 एपिसोड पूरे होने को है, एक साल हो गया है, बावजूद इसके एक भी विनर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब है ही ऐसे। और मैं पहले एपिसोड से अब तक कहता आ रहा हूं, कहता भी रहूंगा कि बाबा साहब है ही ऐसे, जो भी उनका नाम दिल से लेता है वो उन्हीं का हो जाता है और उन्हीं में हो जाता है। मैं आपको फिर से कहूंगा कि हाँ हाँ हाँ, मैं हूँ भीम का दीवाना और ये सारे बन गए भीम के दीवाने। इस विहार में भी कई उपासक उपासिकाओं ने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे जिम्मेदारी समझते हुए बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं कौन है वो उपासक उपासिकाएं जिन्होंने आवाज इंडिया टीवी को विज्ञापन देकर इसे आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही आमचे कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई है, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन मी माझं कर्तव्य केलं, आता तुम्ही पण करा। आवाज इंडिया टीवी ला जाहिरात देऊन आम्ही आमचं कर्तव्य केलं, तुम्ही केलं का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, आप भी निभाइए। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर हमने जिम्मेदारी निभाई, अब आपकी बारी। दर्शकों वक्त है सामूहिक शपथ लेने का। बाबा साहब ने कहा था हर बुद्धिष्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार विहार में जाना ही चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। तो आइए हम शपथ लें कि हम हमारे इस कर्तव्य को निभाएंगे और इस आदेश का पालन हम सब मिलकर जरूर करेंगे। तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी हमारे साथ मिलकर हमेशा की तरह आज भी ये शपथ जरूर लें। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन
परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख और दुख में मिलकर शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं, नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे साथ मिलकर ये शपथ जरूर लियोगी और न सिर्फ लियोगी बल्कि इसका पालन भी आप हमारे साथ मिलकर करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए औरों को प्रेरित, औरों को जागृत अवश्य करेंगे। तो दर्शकों, ये था प्रबुद्ध बुद्ध विहार जो आता है प्रबुद्ध नगर कामठी नागपुर महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपके पास है कोई इस तरह का प्यारा सा विहार, बिल्कुल देर ना करें, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप के जरिए हमें अच्छे अच्छे विहारों के बारे में, आपके विहार के बारे में जानकारी भेजें। साथ ही साथ अगर आपके पास है कोई अच्छी बोधकथा, अच्छे सुविचार, वो भी इसी व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर भेजें। और याद दिला दूँ आपको, आपके सुविधा के लिए सारे विहार मौजूद है। YouTube पर टाइप करें अपना विहार, अपनी आवाज़ और जो विहार आप देखना चाहते हैं उस विहार का नाम। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे विक्रम को हमारे कैमरा हेड जस्सी सर जी के साथ दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई जगह नए विहार, तब तक बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और जी हाँ, देखते रहे अपना विहार, अपनी आवाज़।